गुन्नू के पापा आओ। अब जरा हम गन्नू से पूछ लें। इधर देखो उधर, आप जरा उनसे वार्तालाप करते। गन्नू सब कह रहे हैं तुम्हारी आंखों में कुछ लोचा है, ऐसा है क्या बेटा? है तो बता दो। नहीं क्या है बताओ, बड़े हो गए तो सब पता चल, तुम इस लड़की को देखोगे, अच्छी लड़की को देखोगे और गंदी वाली लड़की तुम्हारे से कट जाएगी। अगर आप ऐसे टेढ़े टेढ़े देखते रहोगे तो दो लड़कियां हो गई है ना, फिर गंदी बात होती है ना बेटा, ऐसे तुम्हारा आगे जाके काम बड़े खराब हो जाएंगे। हाँ अब बताओ, आंखों में कुछ दिक्कत है, डिफेक्ट है आपके? बता दो कि मम्मा ऐसे ऐसे आंखें हो जाती है मेरी। क्या होती है बताओ, क्या होती है आपकी आंखें, कैसे कैसे होती है बताओ, कैसे कैसे होती है बताओ? कुछ होता है आंखों में, ऊपर नीचे कुछ हुआ आंखों में बताओ? अगर कुछ है तो हमसे बात कर लो, डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लो। हाँ हाँ अच्छा, वैसे आज तुम 3 महीने के पूरे हो गए हो, क्या हो गए हो? 3 months completed, 3 महीने हो गए हो चाचा। हाँ सामने देखो मुझे, बात करो। अभी तुम लाओ लाओ, तुम्हें उल्टा रोल रोल खिलाए, तुम्हें रोल रोल खिलाते हैं रात में। एक मिनट, रात में मैंने इसको रोल रोल खिलाया था क्योंकि अब 3 महीने मैंने सर्च कर रही थी कि 3 महीने के बच्चों को पेट के बल में ना लिटाना चाहिए। रात को मैंने इनको पेट के बल लिटाया था, देखो अभी फिर से मैं इनको पेट के बल लिटाती हूँ। अब इनके कपड़े चेंज नहीं करवा पाए थे क्योंकि अपना आराम से सो सा रहे थे, अब उठे हैं तो कपड़े चेंज करेंगे। आओ बेटा हम दिखाते हैं आपको। रात में आप उल्टा लेटे थे, आपको मजा आया था? यस ना, आप अगेन 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 कोशिश करती हूँ। ये लो, आओ ऐसे लेटो, ऐसे लेटो, हाँ ऐसे लेटो, ऐसे ऐसे करो हाथ, ऐसे हाँ। अब इसको मैं पेट के बल लेटना सिखा रही हूँ। हाँ लेटो बेटा ऐसे, यस हाँ। गर्दन अपनी स्टेबल करो, गर्दन स्टेबल करो, सामने देखो, ऐसे करके बच्चों को मैंने सीखा, देखा था कि बच्चे अपनी गर्दन ना होल्ड करना सीखते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे बच्चों की गर्दन है ना मजबूत होती है। तो आप कल रात में भी मैंने इसको बस 2 मिनट के लिए ऐसे लिटाया था पेट के बल, और ऐसे ऐसे इसको कर रहे थे तो इसको अच्छा लग रहा था। गन्नू देखे, गन्नू 3 महीने के हो गए हैं। अब गन्नू रोल ऑन करेंगे, अब ये अपने आप करवट ले लेता है। अगर इसको एक करवट सुलाते हैं हमें तो अपने आप सीधा, बस बस, यस गुड 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 गुड। एक सेकंड में आगे से एक्सप्रेशन दिखाती हूँ इसके, यहाँ से देखो गन्नू की एक्सप्रेशन। हाँ गन्नू मजा आ रहा है, गुन्नू गुन्नू गुन्नू, ये देखो गर्दन ऊपर करो, गर्दन ऊपर, ये लो हाँ, यहाँ पे देखो हाथ ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, गुड, इधर देखो इधर, ये देखो हाँ, हाँ गुड बच्चा, गर्दन स्टेबल करो अपनी। हाँ गन्नू ऐसे धीरे धीरे गर्दन गन्नू की मजबूत हो जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे गन्नू अपनी गर्दन संभालने लगेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे भी हाथ लगा देती हूँ बिकॉज मेरे हाथ पे इनका काफी वेट है, अदरवाइज इनके हाथों पे वेट आएगा। मजा आ रहा है गन्नू? गन्नू मजा आ रहा है, गन्नू को मजा आ रहा है, एक्सरसाइज, गन्नू को मजा आ रहा है, गन्नू को, गन्नू को, गन्नू को, गन्नू को ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं गन्नू की। अब रोज ऐसे कराएंगे गन्नू, अपने आप देखो देखो कितना खुश है, मतलब कहीं से कंफर्टेबल नहीं है ना ये गन्नू। हां देखो गन्नू 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 मजा आ रहा है, लाचू आया। कोई बात नहीं, कह दो कह दो, कोई बात नहीं। ये क्या बनियान है ना, ये लो बाबू रुमाल, लाचू आया गुन्नू, कह दे कोई बात नहीं, पोछ लेता हूँ अपने आप। गुन्नू मिठाई खा ली? बाश मेरा मिठाई एक चीज बहुत लेता है। अब चलो ऐसे ले लो। हाँ तो जैसे कि आपने देखा गुन्नू 3 महीने के हुए हैं, और 3 महीने से मैंने आज इनकी एक्सरसाइज कराई है ये, और ये एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी आप लोग मुझे बताइए 3 महीने के बाद बच्चों को और क्या क्या कराना चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें कराऊंगी, ट्राई करूंगी कि वो सारी चीज़ें मैं 3 महीने के बाद बच्चे को अपने कराना शुरू कर दूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग, अब मैं वीडियो सर्च करूंगी, मैं देखूंगी ढूंढूंगी, इससे चाहिए आप सारे लोग मुझे सजेशन में बता दो कि गन्नू को और हमें क्या क्या कराना चाहिए, क्योंकि गन्नू अब 3 महीने के पूरे हो गए हैं, 3 महीने का गन्नू मेरा पूरा हो गया है।